देखिए ब्रजभूषण ने जो फेडरेशन काफी जो है इनको जो है रोकने की कोशिश की, ब्रजभूषण के कारण तो जो है जो बजरंग है जो धरना प्रदर्शन रहा है तो वो कवर नहीं कर सका ने, तो वो भी गोलमुंडे की वो पूरी तैयारी कर रहा था, तो ये ब्रजभूषण मुंह पर तमाचा है। भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए सिल्वर मेडल पक्का कर लिया। विनेश ने महिला 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट के फाइनल में एंट्री कर ली है। वो ओलंपिक इतिहास में महिला कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर भी बन गई है। विनेश फोगाट ने 6 अगस्त को महिला 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट के सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर यूस्नेलिस गुजमैन को 5-0 से करारी शिकस्त दी। अब विनेश का फाइनल 7 अगस्त को होगा। उनके पास फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल जीतने का भी सुनहरा मौका है। विनेश फोगाट का मुकाम हासिल करना ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विनेश फोगाट के ताऊ और गुरु महावीर फोगाट ने कहा कि बेटी विनेश ने ब्रजभूषण के मुंह पर तमाचा लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो हमारी बेटी ने किया है वो ब्रजभूषण सिंह कभी नहीं कर सकते। उन्होंने विनेश का काफी नुकसान किया है लेकिन जनता विनेश के साथ है। उन्होंने कहा कि बेटी ने मेरे सपने पूरे किए, मेरा आशीर्वाद है कि विनेश फोगाट को भगवान और भी आगे बढ़ाए। देखिए आज मुझे बड़ी खुशी है, जो कई साल से जो मैं जो सपने देख रहा था ओलंपिक जो मैंने स्टार्टिंग की थी यूं स्टार्टिंग भी मेरी बेटी जो है ओलंपिक गोल्ड मेडल लाएंगी, और आज वो मेरा सपना नज़दीक है मेडल के, और मेरे पूरा विश्वास है मेरी बेटी जो है गोल्ड मेडल लेके आएगी। और जो 2016 और जो 20 में नहीं कर सकी, जो हिंदुस्तान को उसकी गोल्ड मेडल की आज थी उसको जो है अब जो है वो गोल्ड मेडल लेकर वो आज से उम्मीदें हैं ऊपर खड़ी उतरेगी। पहली महिला बन गई है जो ओलंपिक के फाइनल में, बिल्कुल जो गोल्ड मेडल लेते पहली महिला होगी जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लाएगी, ये इतिहास होगा रेसलिंग में। किस तरह का सफर रहा है क्योंकि बीच में ब्रजभूषण का भी, देखिए ब्रजभूषण ने जो फेडरेशन काफी जो है इनको जो है रोकने की कोशिश की, ब्रजभूषण के कारण तो जो है जो बजरंग है जो धरना प्रदर्शन रहा है तो वो कवर नहीं कर सका ने, तो वो भी गोल्ड मेडल की वो पूरी तैयारी कर रहा था, तो ये ब्रजभूषण के मुंह पर तमाचा है। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए बेटियों? भाई मैं नहीं कहता हूँ, जो आज जो हमारे हिंदुस्तान की जो बेटी है 5 क्वालिफाई करके गई, और मैं उन बेटियों से कहता हूँ जो हार को हार न मान करके आगे जो है 2028 के लिए बहुत कम समय है, और सारी बेटियों से मेरी ये प्रार्थना है भी आज से लग जाओ जो 24 के ओलंपिक के लिए, और हमारी बेटी जो है मेडल के लिए, ताकि हमारे को ज्यादा खुशी हो। विनेश फोगाट की इस कामयाबी पर उनके गांव में खुशी का माहौल है। गांव वाले और परिजन बेहद उत्साहित हैं। बेटी ने ओलंपिक में इतिहास जो रच दिया है। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, जिस परिस्थिति के अंदर विनेश फोगाट ने वापसी की है, क्योंकि जो आंदोलन चला था, जो मोमेंट चला था पहलवानों का, उसमें पहलवान का लगातार आंदोलन में रहना, तो उससे उसकी काफी वजन भी घटा और वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई। लेकिन विपरीत परिस्थिति के अंदर उस बेटी ने इस राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम किया, और जो फाइनल मैच है, क्योंकि हमारी बेटी तभी जीत ली थी जब जापान की जो लड़की थी बड़ी, जिसने आज तक वो हारी नहीं और वो पीछे भी गोल्ड मेडल रही है, वो जब शुरुआत जब इवेंट जीती थी उसके हमें ये लग रहा है अब उसको फाइनल में कोई नहीं रोक सकता। तीनों मैच आपने देखे हैं, तीनों मैच किस तरह का खेल नजर आया आपको? देखिए खेल जो है लगातार हमने देखा है, जैसे शुरू की जो फाइट थी वो बहुत कंपटीशन की थी, बड़ी टाइट थी, और उसमें हमारी बेटी 3-2 से जीत गई। उसके बाद उसने हर कुश्ती के अंदर अब प्रोग्रेस चलेगी, अब जैसे पिछली 7-5 से जीती थी अभी 5-0 से जीती है, तो अब उम्मीद है कि उम्मीद नहीं, हमें 100% विश्वास है हमारी बेटी के ऊपर कि वो अब गोल्ड मेडल लेके आएगी और इस देश का नाम रोशन करेगी, और साथ के साथ हरियाणा प्रदेश का और जिले का, अपने गाँव का, इलाके का वो निश्चित रूप से नाम रोशन करने पड़ेगी, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी, खासकर लड़कियों के लिए एक नया संदेश जाएगा। जिस तरह से महावीर पहलवान ने एक स्टार्टिंग की थी उस टाइम के अंदर, जहां लड़कियों को बाहर लकड़ना भी दुर्लभ था, जहां झगड़े होते थे और कुछ होते थे, उन बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े और महिला रेसलर को एक नई दिशा देने का काम किया, आज उनका लक्ष्य पूरा होता हमें दिखाई दे रहा है।
आपको बताते चलें कि विनेश फोगाट के पास ओलंपिक छोड़कर हर बड़े खेल का पदक है। इसमें राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण, एशियाई खेल का खिताब, विश्व चैंपियनशिप के 2 कांस्य पदकों के साथ एशियाई चैंपियनशिप के 8 पदक शामिल हैं। वो रियो और टोक्यो ओलंपिक में हालांकि पदक नहीं जीत सकी थी, अब उनके पास पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सुनहरा मौका है। बहुत बढ़िया खेल लिया, सेमीफाइनल में तो पहुंच गई और उसका गोल्ड मेडल की मेरी पूरी उम्मीद है, गोल्ड मेडल लेके आओगी। और इसका ताओ ने तो बहुत दिन से इंतजार कर रहा था भाई, मेरे ओलंपिक में मेडल कद ले आओगी। मैंने 2016 में भी उसके चोट इंजरी हो गई थी और फिर बाद में फिर 2000 बचपन से विनेश आपके पास रही। हाँ, हमारे इसका ताओ ने खेला इसे बचपन से, गिटार के साथ, बबीता साधन के सारिया साथ खेला करती और बहुत बढ़िया खेला करती। बारी भी बढ़िया खेला उसका, तो ओलंपिक मेडल तो उसका 2016 में आना था, उसका इंजरी होगी थी। महावीर जी का सपना कहीं ना कहीं पूरा होने की, हाँ, पूरा होने की उम्मीद है जी। विनेश पूरा करेगी, इसने तो क्या कर दो तू ही करेगी मेरा सपना पूरा। इसने तो ओलंपिक की तैयारी, ओलंपिक के मेडल खातिर ला गया था शुरू में। परिवार में किस तरह की खुशी है? बहुत बढ़िया खुशी हो रही, गाँव में भी और पूरा देश में खुशी है जी मेडल की तो, और मारी की बेटी है, पूरा देश की बेटी है। क्या उम्मीद करते हैं अगले गेम के लिए? अगले गेम के लिए जी गोल्ड मेडल लेके आओगी। विनेश फोगाट की इस कामयाबी पर पूरे हरियाणा ही नहीं देश को नाज है। अब सबकी यही दुआएं हैं कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में एक और इतिहास रचे। भारतवर्ष की हमारी बेटी आन बान शान विनेश फोगाट है, जो काफी लंबे समय से जिसका एक सपना था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के जिसने का इतिहास रचने का काम किया, कि देश की पहली महिला रेसलर ऐसी है जो फाइनल में पहुंच चुकी है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी बेटी गोल्ड मेडल लेकर ही देश का नाम गौरवान्वित करेगी। और जिस प्रकार से इसका कुश्ती का जो जुनून है, पहले हमारे देश में कुछ राजनीतिक रूप से षड्यंत्रकारी, उसकी वजह से इन्होंने आंदोलन करना पड़ा दिल्ली में, और उसकी वजह से इनको टाइम डिस्टर्ब भी हो गया था, लेकिन उस टाइम को कवर करते हुए इसने इतनी शॉर्ट टर्म में इतनी अथाह मेहनत करके जो कुश्ती के जो मुकाम हासिल किया है, वो हमारे संपूर्ण राष्ट्र के लिए, भारतवर्ष के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए और हमारे जिले के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला महसूस है। प्रत्येक नागरिक का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया है कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा काम करके इस मुकाम के ऊपर देश में पहला मेडल लेने का ये काम करेगी ओलंपिक में। कल फाइनल है तो क्या उम्मीदें हैं? हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास है कि फाइनल में अब ये गोल्ड मेडल लेके ही आएगी, क्योंकि जो पहले जिनकी इसकी बाउट थी विनेश फोगाट की, वो लड़की हराने का मतलब है गोल्ड मेडल, क्योंकि वो जो लड़की 4 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप जो पिछले ओलंपिक में जिसने एक भी पॉइंट में अपने प्रतिद्वंदी को नहीं दिया, और उसको हराने के बाद तो हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि विनेश हमारी बेटी अब गोल्ड मेडल के साथ ही भारत देश में लौटेगी। बता दें कि जनवरी 2023 में विनेश, साक्षी और बजरंग ने कई युवा महिला पहलवानों के साथ मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ब्रजभूषण पर विनेश, साक्षी समेत कई महिला रेसलरों ने छेड़खानी, यौन शोषण और मनमानी का आरोप लगाया था और उन्हें हटाने की मांग की थी। इस दौरान धरना भी चलता रहा और बीच बीच में पुलिस से टकराव भी हुआ। बता दें कि मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, बयान दर्ज हुए हैं। अब विनेश फोगाट ने अपनी जीत के साथ विरोधियों को चित कर दिया है। नजरें अब पेरिस ओलंपिक के फाइनल पर हैं।